Hello students, in this video we will start with a new chapter and very interesting chapter and scoring also, that is geometric construction. Ab is chapter mein hame tangents aur similar triangles draw karne hain, lekin uske pehle I want you to know all the basics of geometric construction which they may ask you in question number 1 and question number 2 in the board paper. So I want you to know the basics of geometric construction. Okay, so tangents or similar triangle draw karne se pehle hum is video mein pura basic geometric construction padhenge, which is really very interesting and very useful to draw tangents and similar triangles. Okay, now let us start with the first question. स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. अब क्या डिफरेंस है, लेट अस सी. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन एम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड हियर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन एम फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. तो इसमें ऑन द लाइन है और इसमें आउटसाइड द लाइन है. तो हाउ वी विल ड्रॉ इन बोथ द केसेस स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल ड्रॉ लाइन. अभी लाइन का तो कोई मेजरमेंट होता नहीं है, इसलिए हम कोई भी मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज लाइन एम. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पॉइंट ऑन द लाइन है, ये देखो पॉइंट ऑन द लाइन है, तो कहीं पर भी एक एक पॉइंट आप ले लो. चलो पी ले लेंगे, हम पी ले लो और उसमें से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. आई एम यूजिंग द वर्ड परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बहुत फर्क होता है. अब देखो ये पॉइंट मैंने डिसाइड किया, अब हम कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और दोनों तरफ कोई भी मेजरमेंट ले लो, कोई भी मेजरमेंट लो और आप पी पे रख के कट कर. ओके, एंड देन कीप इट ऑन दिस आर्क. फिर आप इस आर्क पर रखोगे एक मोर देन हाफ और किसी एक तरफ आर्क कट करो. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन हियर दिस आर्क एंड ड्रॉ अनदर आर्क. अगेन आई एम शोइंग दिस विल, यू विल कीप इट ऑन, टेक अ पॉइंट पी ऑन द लाइन, फिर आप पॉइंट पी पे रख के दो आर्क कट करोगे दो तरफ. कोई भी मेजरमेंट लो, लो दोनों तरफ कट करोगे, फिर पॉइंटर को इस आर्क पर रख के मोर देन हाफ लोगे एंड यू विल कट एन आर्क. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन दिस आर्क, अगेन कट इट. अब आप क्या करोगे बेटा, आप इस पॉइंट को इस आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जॉइन करोगे, सो दैट इज योर परपेंडिकुलर. आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ करना, बाइसेक्टर नहीं है ये परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन. अब सेम क्वेश्चन, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. मेथड सेम है, मेथड दोनों का सेम है, बस पॉइंट आउटसाइड द लाइन होगा. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी हमने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे भी ड्रॉ किया. यहाँ पे पॉइंट पी कहाँ पे लिया था, लाइन पे लिया था. अब हम पॉइंट पी कहाँ पे लेंगे, बाहर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे वर्डिंग देखो क्या है, आउटसाइड द लाइन. अब यहाँ पर भी हमने पॉइंटर पी पे रख के दो आर्क कट किया, यहाँ पे भी सेम मेथड सेम है, बस पॉइंट का पोजीशन चेंज हुआ. आप लाइन पे दो आर्क कट करोगे, आपने यहाँ पे भी लाइन पे दो आर्क कट कर दिया था. ओके, फिर आप आर्क पे रखोगे मोर देन हाफ लो और पॉइंट पी यहाँ है ना, आप अपोजिट साइड ड्रॉ कर मोर देन हाफ लो और अपोजिट साइड ड्रॉ करो. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन दिस आर्क एंड देन कट. अब आप क्या करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी के साथ जॉइन करोगे. दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर. आप इसको लाइन एम परपेंडिकुलर ऑन द लाइन आउटसाइड.
मेथड सेम है, बट पोजीशन पी पॉइंट का हमने चेंज कर दिया। नाउ स्टूडेंट, ये वाला जो मेथड है ना ऑन द लाइन का, ये आपको टेंजेंट में यूज होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपको टेंजेंट में यूज होगा ऑन द लाइन। ये मेथड आप याद रखना, ऑन द लाइन में हम क्या करते हैं, पॉइंट पी को रख के दो आर्क कट करते दो तरफ, और आर्क पे रख के मोर देन हाफ लेके कट करते। ये मेथड टेंजेंट में यूज होगा, और ये मेथड आउटसाइड द लाइन वाला पैरेलल लाइन में यूज होगा। तो ये जो दो बेसिक है ये अपने ध्यान में रखो, ठीक है? और जैसे टीचर ड्रॉ करे वैसे आप भी ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में, सो दैट यू विल बी परफेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में 1 or 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखो किस तरीके से आ सकता है। ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ, लेंथ कोई भी आएगा, ए बी नाम कोई भी देंगे वो लोग। ड्रॉ सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्टेड, या तो इस तरह देंगे या फिर इस तरह देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पर सेगमेंट का मेजरमेंट दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे सेगमेंट का मेजरमेंट कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलो हम 7 सेंटीमीटर ले, और 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देखो आप इसको नेमिंग दो ए बी 7 सेंटीमीटर, वेरी सिस्टमैटिक। अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत ईजी है, आपको इसमें सेगमेंट पे आप नहीं ड्रॉ करोगे, आप डायरेक्टली मोर देन हाफ लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कट करते, यहाँ पे नहीं कट करोगे बेटा, आप दो तरफ कट करोगे। सॉरी, आप बी पे रखो, मोर देन हाफ लो, यहां नहीं कट करोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, यहां पे नहीं कट करोगे, आप बी पे रखो मोर देन हाफ लो, यहां कट दोनों तरफ कट करोगे। डोंट चेंज द मेजरमेंट, रिपीट हियर देन ड्रॉ आर्क ऑन बोथ द साइड। नाउ यू विल जॉइन दीज टू। ज्वाइन करने से पहले कभी भी इस तरह चेक करोगे, हाँ बराबर आ रहा है। अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह ड्रॉ करोगे। अगेन आई एम शोइंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दूसरे टाइप के टेंजेंट में यूज होगा। जब सेगमेंट दिया रहता है तो किस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, ये सेकेंड टाइप ऑफ टेंजेंट है। दो टाइप के, तीन टाइप के टेंजेंट है ना। एक टाइप का टेंजेंट है जो हमने पीछे बताया था आपको। सेकेंड टाइप का टेंजेंट में आपको ये वाला मेथड यूज होगा। आपको डायरेक्टली मोर, आप इसको पहला नेमिंग दोगे ए बी 7 सेंटीमीटर, फिर आप बी पे रख के मोर देन हाफ लो, ये बी केयरफुल, कंपास थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, पेंसिल, और दोनों तरफ आप कट करोगे, फिर आप यहां रखोगे और यहां कट करोगे, एंड देन यू विल जॉइन। ओके बेटा, फिर आप इस तरह चेक करोगे एंड देन यू विल जॉइन। और इस तरह तो आपको मेथड बता दिया हमने हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तीन टाइप हो गए। फर्स्ट टाइप क्या था हमारा बेटा, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों में डिफरेंस है, वो सिर्फ परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंगल। Now this is angle bisector. What is the meaning of angle bisector? Angle को दो part में divide करता है, उसको बोलते हैं equal part में, तो उसको बोलते हैं bisector. Draw angle. Teacher ने देखो यहाँ पे दो question लिखा है, इसलिए दो question लिखा है कि students को method तो आता है लेकिन mistake कहाँ करते वो लोग, ये नहीं देखते हैं कि यहाँ देखो बेटा, I'm showing you. दिस एंगल का जो मेजरमेंट है आप लोग ये नहीं देखते हो, ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है।
बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्ट्यूज को भी एक्यूट ड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए टीचर ने आपके सामने दो क्वेश्चन रखा है। तो ड्रॉ एंगल ए बी सी एंड बाइसेक्टेड, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ओके नाउ फर्स्ट विल ड्रॉ एंगल ए बी सी। बेस कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मेजरमेंट का बेस ले लो। बी है ना, तो यहाँ पे बी आना चाहिए बी सी, क्योंकि एंगल वही बनेगा। नाउ यू विल टेक प्रोट्रैक्टर एंड यू विल टेक हाउ मच बेटा, 65। 65 यहां पर आता है, ज्वाइन करो। पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे, दोनों केस में हम एंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज ए बी सी, दिस इज ए बी सी, ओके। यहां पर भी आप सेम चीज करोगे, एंगल पहले हम दोनों केस में ड्रॉ कर लेंगे, दोनों केस में एंगल ड्रॉ करोगे। हमने इसलिए दो क्वेश्चन लिखे ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो होना, 115 को भी आप लोग एक्यूट ही लेते हो, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप इसको ऑब्ट्यूज ड्रॉ करोगे एंड देन यू विल ज्वाइन दिस। Here you will write A. Now how to bisect it? This is very easy and interesting. आप क्या करोगे, बी पे रखो, बी पे रखो, कोई भी मेजरमेंट लो, कोई भी, ओके okay? या तो आप ये पूरा कट करो या फिर आप कोई भी मेजरमेंट लो, कोई बात नहीं, शिफ्ट हुआ तो भी कोई बात नहीं, बस यहां दोनों में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, या इस तरह, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। आई एम सॉरी, मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, आपने यहां ड्रॉ किए, डोंट चेंज द मेजरमेंट एंड ड्रॉ इट हियर, ओके। नाउ यहां रखो, ये जो कट हुआ है वो, टेक एनी मेजरमेंट एंड कट इट, डोंट चेंज द मेजरमेंट, कट इट, और आप क्या करोगे फिर इसको ज्वाइन करोगे, क्या करोगे बेटा, ज्वाइन कर, इस तरह चेक, ज्वाइन करने से पहले चेक करोगे हमारे पॉइंट्स, कभी भी चेक करोगे अपने, देखो ये इक्वल है, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। यहां पर भी सेम मेथड करोगे, कोई भी मेजरमेंट लो, कट करो, यहां पे भी कोई भी मेजरमेंट लो बेटा, कट करो, आई एम सॉरी, सेम मेजरमेंट होना चाहिए, डोंट चेंज द मेजरमेंट एंड देन यू विल जॉइंट इट, चेक करो, ओके। This is bisect. So students, this way, again I am telling you, आप B पे रख के कोई भी मेजरमेंट लो और एक इस तरह आग कट करो, या तो आप इस तरह पूरा कट कर सकते हो या इस तरह दो पार्ट में कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। अब आप यहां रखोगे, कोई भी मेजरमेंट लो, आग कट करो, डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट हियर, कट इट, क्या करोगे, आग पे रख के कोई भी मेजरमेंट लो, कट करो, डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट हियर, एक है मेजरमेंट कोई भी लोगे लेकिन दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये बेटा 2 मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है बेटा, तो बी परफेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सिमिलर ट्रायंगल में भी काम आएगा, पैरेलल लाइन में भी काम आएगा, और एंड हियर 2 मार्क्स क्वेश्चन आल्सो दे आस्क यू, हियर आल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत केयरफुल लेना है आप। कोई कोई स्टूडेंट्स को मेथड आता है लेकिन मिस्टेक कहाँ करते हैं, अगर 105 डिग्री है तो उसे भी एक्यूट ड्रॉ कर लेते हैं,
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टाइप ऑफ एंगल. अब यहाँ पे तो एक्यूट है 75 डिग्री. हमें ड्रॉ क्या करना है, देखो पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, यानी इस क्वेश्चन में आपको एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करना है पी क्यू आर. अब वो कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द सेम मेथड यू हैव टू यूज इन मेनी केसेस. एक थर्ड टाइप ऑफ टेंजेंट है, उसमें भी आपको यही मेथड यूज करना है. तो इस मेथड में आपको परफेक्ट होना है. तो चलो हम पहले गिवन एंगल ड्रॉ करते हैं. गिवन एंगल इज ए बी सी, बी सी, ओके. नाउ वी विल टेक 75 डिग्री. 75 डिग्री लो बेटा. 75 इज हियर और आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी. ये 75 डिग्री, दिस इज योर ए बी सी, दिस इज गिवन एंगल. अब कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे. अब आप पहले बेस ड्रॉ करो, कोई भी मेजरमेंट का बेस ड्रॉ करो जिसमें आप लिखोगे क्यू आर, फिर आप लोगे कंपस, ओके. नाउ यू विल कीप इट ऑन बी, और जैसे एंगल बाइसेक्टर में हमने कैसे ड्रॉ किए थे बस वैसे ही आपको ड्रॉ करना है इस तरह. डोंट चेंज, कीप इट ऑन क्यू. डोंट चेंज, कीप इट ऑन क्यू. एंड नाउ यू विल कंस्ट्रक्ट एन आर्क जैसे आपने एबीसी में किया, ओके. ये हो गया मेथड. अब आप क्या करोगे, इसका मेजरमेंट लोगे, यहां पे रख के इसका मेजरमेंट लोगे. डोंट चेंज, कीप इट हियर, कट. गॉट द रिक्वायर्ड एंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ओके. This is your PQR. This is 75 degree. This is also 7. Okay. Now I'm showing you for, just consider हम लोग 105 degree वाला एंगल लेते हैं. चलो हम अभी आपके लिए obtuse draw करते हैं. Same method, base draw करो BC. फिर आप protractor लो, given angle को पहले आप draw कर दो. कितना है 105 विल कम हियर. दिस इज योर ऑब्ट्यूज. देखो टीचर आपको एक्यूट भी बता रहे ऑब्ट्यूज भी बता रहे ताकि आप परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि आई वांट यू टू अटेम्प्ट ऑल द कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग. बेस ड्रॉ करो क्यू आर, ओके. अब आप क्या करोगे, बी पे रखोगे, सेम मेथड, कोई भी मेजरमेंट लो और एक आग जैसे हम बाइसेक्टर में ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर में. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन क्यू एंड ड्रॉ एन आग, ओके. अब हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट लेंगे, यहां तक का मेजरमेंट लेंगे. डोंट चेंज इट, keep it here and cut it. You got it? देखो टीचर ने दोनों भी आपके लिए बताया ताकि आप परफेक्ट हो जाओ. फिनिश नेमिंग दो इसको, लेबलिंग करो, ओके. दिस इज कॉल्ड congruent एंगल मेथड. पी क्यू आर congruent टू एबीसी. एबीसी कोई एक एंगल दिया. अच्छा कभी कभी मेजरमेंट नहीं देते तो आप अपनी तरफ से ले सकते, ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्ग्रुएंट एंगल वाला मेथड किसमें आएगा, सिमिलर ट्रायंगल में आएगा, पैरेलल लाइन में आएगा और थर्ड टाइप ऑफ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर वाले क्वेश्चन है ना, दैट वी विल डिस्कस, दैट यू डोंट वरी, उसमें आएगा. इसलिए ये वाला मेथड बहुत अच्छे से करो, कॉन्ग्रुएंट एंगल. Okay, now let us move to the next part.
Now, beta, see this question. Draw a line L parallel to line M through a given point. अब बेटा आपको ना इसमें दो मेथड है, जो मेथड आपको इजी लगता है आपको ड्रॉ कर पैरेलल ड्रॉ करना है। चलो हम पहले लाइन एम ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए पैरेलल लाइन कैसे होगी, तो दो मेथड है। हम पहले एक मेथड पे कंसंट्रेट करेंगे। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। अब आउटसाइड द लाइन में हमने सबसे स्टार्टिंग में एक मेथड बताया, हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। पी पे रखो, टेक एनी मेजरमेंट एंड कट इट। ओके, देन आर्क पे रखो, टेक मोर देन हाफ, टेक इट ऑन अपोजिट साइड, डोंट चेंज द मेजरमेंट, ड्रॉ अनदर आर्क एंड देन जॉइन इट। पॉइंट आउटसाइड द लाइन वाला मेथड, देखो हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया था आपको। अभी ये लाइन एम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऑन द लाइन वाला मेथड। ऑन द लाइन वाला मेथड क्या है बेटा, ये पॉइंट पी है, हमने दोनों तरफ, हमने ये भी स्टार्टिंग में बताया, कोई भी मेजरमेंट लो, दोनों तरफ आर्क कट करो, देन आर्क पे रख के मोर देन हाफ लो। आप इसमें एक तरफ भी कट कर सकते हो, दोनों तरफ कट कर सकते हो, कोई बात नहीं। एंड देन यू कैन डोंट चेंज द मेजरमेंट एंड नाउ यू कैन जॉइन दीज टू आर्क्स एंड पी। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों आप जॉइन करो, देखो पैरेलल लाइन आ गई। हो गई पैरेलल। सो यहां पे दो मेथड है, इसमें एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन और एक पॉइंट ऑन द लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन एंड दिस वे वी आर ड्रॉइंग। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखो, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एम, टेक अ पॉइंट पी हियर, टेक अ पॉइंट ए हियर एंड जॉइंट एंड जॉइंट। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल वाला मेथड, ए पे रखो, कोई भी मेजरमेंट लो बेटा और एक आर्क कट करो। देखो हमने पीछे एक आर्क कट किया था ना, कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ किया था, मैंने कहा ना आपको पी पे रखो, सॉरी थोड़ा मूव हो गया है शायद, ओके पी पे रखो, ड्रॉ वन आर्क, फिर आप क्या करोगे, इस पे रखोगे, ये मेजरमेंट लोगे, इस पे रख के ये मेजरमेंट लेके हम क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे बच्चा, इसको और इसको, इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करेंगे, पॉइंट और ये, ओके हो गया पैरेलल। जो मेथड आपको इजी लगे आप उसे फॉलो, ओके। Now let us move to the last part of this basic thing which they are asking you for 2 marks. See this question. This question is very important. Yeah, आपने 8 में भी किया है लेकिन वो parts में दिया रहता था। जैसे अभी draw segment AB, आपको 8 standard में question था, draw segment AB and divide into 5 equal parts. 5 equal parts थे, वो different question था। यहाँ पर है ratio। बेटा ये ratio है, दिस इज रेशियो 3:4। तो हाउ टू ड्रॉ, इसके भी दो मेथड है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ बेस विच इज 7 सेंटीमीटर, ओके, ए
बी, फिर आप कोई भी एंगल, एक्यूट एंगल, ऐसा कुछ कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं, बस आप नीचे की तरफ ड्रॉ करो। 3:4 मीन्स टोटल होता है 7, टोटल कितना होता है 7। तो आप क्या करोगे, एक एक एग्जैक्ट मेजरमेंट लो, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट, आफ्टरवर्ड यू विल नॉट चेंज दैट मेजरमेंट, आपको पूरे 7 पार्ट्स उसी मेजरमेंट से कट करने हैं बेटा। जैसे आपने इधर रखा, कट किया, कीप इट हियर, कट इट, कीप इट हियर, कट इट, 4, 5, 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ये जो 7th पार्ट है ना बेटा, ये आप इसको लास्ट बी से लास्ट वाले को ज्वाइन कर। ओके, देन कॉन्ग्रुएंट एंगल वाला मेथड। क्या है कॉन्ग्रुएंट एंगल वाला मेथड? पहले आप इसको नेमिंग दो, A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। 3:4 है ना कॉन्ग्रुएंट एंगल मेथड। क्या है, देखो एक एंगल हमने आर्क ड्रॉ किया, 3 है ना, तो A3 पे रख के डोंट चेंज द मेजरमेंट, कट द आर्क। नाउ टेक दिस मेजरमेंट, कीप इट हियर जहां पर आपका आर्क कट हुआ है, और ये, और आप क्या करोगे, A3 को ये पॉइंट से ज्वाइन करोगे। कोई भी पॉइंट दो, ओके, दिस इज योर 3:4 रेशियो, दिस इज द वे। देखो ये पैरेलल लाइन है, AM और BA3, BA7, A3M और A7B पैरेलल है, तो ये जो एंगल होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए टीचर ने कॉन्ग्रुएंट एंगल मेथड यहाँ पे यूज किया है। ओके, अच्छा सेकेंड मेथड क्या है वो भी हम आपको बता दें। आप 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, ए बी, एक एंगल आप यहां पे ड्रॉ करो। अब आप क्या करो, कॉन्ग्रुएंट एंगल मेथड जो है वो यूज करो, एंड देन जॉइंट इट, यू विल गेट दिस लाइन। ओके, अब 3:4 है ना, तो 3 पार्ट यहां कट करो, 3 पार्ट यहां कट करो, 4 पार्ट यहां कट करो, 1, डोंट चेंज द मेजरमेंट, 2, 3, तो दिस इज योर A1, A2 एंड A3। अब यहां पे सेम मेजरमेंट का, 1, 2, 3, 4, यहां पे नेमिंग लिखो, B1, B2, B3, B4। अब A3 को B4 से ज्वाइन करो, हो गया आपका 3:4 रेशियो, बस इतना ही आपको ज्वाइन करना है। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप कर दो सॉल्व। ओके, सो स्टूडेंट आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक क्वेश्चंस
बिफोर गोइंग टू द मेन एक्सरसाइज, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो ऑल द बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. कि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा आप डायरेक्टली टेंजेंट और सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ नहीं कर सकते हो. ओके, होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल फॉलो इट. यू विल कंस्ट्रक्ट इन योर नोटबुक ट्वाइस. और एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कभी स्किप नहीं करोगे क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं. कंस्ट्रक्शन चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द टेंजेंट. टिल देन प्रैक्टिस दिस. बाय, टेक केयर.